कि हम लोगों को मौत के पीछे, हमारी मौत के पीछे छोटे छोटे जीवाणु मौत, हम में से हर कोई आदमी फाइनली किसी ना किसी इंफेक्शन से ही मरे, ये साइंस ने तय कर दिया। और इसमें बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट भी हुए, मतलब लोगों की जानकारी में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे शोध भी हुए हैं जो बच्चे 12-12, 15-15 साल तक गुब्बारों के अंदर रखे गए ताकि वहां तक कोई इंफेक्शन पहुंच ही ना सके, ऐसे तजुर्बे भी हुए हैं। कभी जब वर्कशॉप में आऊंगा तो सारे फोटोग्राफ पीपीटी दिखाऊंगा कि साइंस के असली शोध का मतलब क्या होता है और वो आप लोगों के लिए किस तरीके से काम करते हैं, जो असलियत में प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनीज कैसे बनाते हैं। और साइंस को पिछले 80-85 साल ये गुमान रहा कि इंफेक्शन मार दो तो लगभग आदमी अमर हो सकता है, और ये कहीं तक सच भी है। हमारे वर्ल्ड में, हमारे विश्व में एंटीबायोटिक का इजाद, एंटीवायरल का इजाद, एक ऐसा इजाद था एंटीबायोटिक का कि आज पूरी दुनिया आयुर्वेद को मानने वाले लोगों को भी घुटने के बल पे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ रहा है उनके पास, जबकि एक ही ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र का नाम है एंटीबायोटिक। हर बीमारी में लगभग एंटीबायोटिक को जरूर चलता है। 15 साल पहले साइंस को पता लगा कि हमारी मौत के पीछे नहीं, हमारी जिंदगी के पीछे भी जीवाणु ही जिम्मेदार हैं। एक आदमी के शरीर में एक सेल के मुकाबले 10 बायोटिक जिम्मेदार होते हैं, 10 गुड बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी को चलाता है। जैसे साइंस ये मानती थी कि सब कुछ हम अपने दिमाग से करते हैं, दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन साइंस को पता लगा कि आदमी सेल्फ टॉक करके, अपने आप से बातचीत करके अपने दिमाग को मोड़ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कोशिश करे कि आज मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं, फिर भी एक समय के बाद उसकी झपकी लग जाती है, तो दिमाग तो ये सोच रहा लगातार कि आज मैं सोऊंगा नहीं, बॉडी को भी ये साइन दे रहा है कि आप सोइयो मत, लेकिन ये कैसे है कि फिर किस चीज की कमांड चली कि आदमी सो गया। ऐसी किसी सिचुएशन में उन्होंने बताया कि इसके लिए बायोटिक्स गुड बैक्टीरिया जिम्मेदार है, वो ब्रेन को भी ओवररूल करते हैं और वो हमारी आंतों के अंदर रहते हैं, इसलिए आयुर्वेद में बोला गया था कि शरीर की हर बीमारी आपके पेट से होती है, क्योंकि पेट निवास स्थान है ऐसे बैक्टीरिया का जहां पे लगभग 6000 प्रजातियां हैं और यही हमारे संपूर्ण शरीर को चलाती है। ऐसे किसी सिचुएशन में नया रेवोल्यूशन आया, नया क्रांति आई माइक्रोबायोम, जिसमें शुरुआती रुझानों में जो हमारे समुद्र के नीचे कुछ जीव रहते थे उनकी आंतों का बैक्टीरिया निकाल के अमेरिकन नेवी के कमांडो में डाला गया और आज अमेरिका के पास एक दस्ता है जो लगभग आधा घंटा पानी के 200 मीटर नीचे बिना ऑक्सीजन के भी लड़ाई लड़ सकता है। आज उनके पास एक पूरा दस्ता है, वो आधे घंटे तक 200 मीटर नीचे लड़ लेते हैं पानी के बिना सांस के लिए, तो ये उनके सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति के अंदर जो बहुत सालों से दौड़ा नहीं था, चला नहीं था, स्थूल था पूरा, ऐसे किसी व्यक्ति के अंदर एक एथलीट का बैक्टीरिया डाला और वो व्यक्ति अगले दिन सुबह 13 किलोमीटर तक दौड़ता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे बैक्टीरिया लगभग किसी भी चीज को सही तरीके से सही दिशा में लेके आ सकते हैं और ये हमारे ड्रग्स का, हमारी बीमारियों का अगला रेवोल्यूशन है। और आज पूरे विश्व का लगभग 72 लाख करोड़ रुपए इस रिसर्च पे फूक चुका है, जो उम्मीद है कि 2025 तक पूरे होने तक 125 लाख करोड़ की रिसर्च साबित होगी। हमने पहली बार ये प्रोडक्ट बनाए थे 3 कैटेगरी में, एसेंशियल्स एम, एसेंशियल्स एफ, एसेंशियल्स के। एसेंशियल्स मतलब जरूरी, 360 मतलब चौतरफा बैलेंस डाइट, तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, प्रीबायोटिक्स मिलते हैं, विटामिंस मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और आयुर्वेद ने जो बोला था वो सिंगल हर्ब जड़ी बूटी भी जो टॉप जंगलों में पाई जाती है उसकी वैरायटी मिलती है, जिसमें एक पहला प्रोडक्ट है एसेंशियल्स एम मेल्स के लिए। आज के मेल्स को क्या दिक्कत है, हम लोगों के इसमें डायबिटीज बहुत ज्यादा फैल रहा है, हार्ट अटैक बहुत ज्यादा है, रीजन बीइंग मेल्स में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और पुरुषों में स्ट्रेस का होने का कारण है। हिंदुस्तान में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मर्द और अमिताभ बच्चन का, उसमें फेमस डायलॉग था, क्या था वो, मर्द का दर्द नहीं है। और जो हिंदुस्तानी हर बात को फिल्मी लेते हैं, दिक्कत ये है कि इस फिल्म को सीरियसली ले और वो सच में मानते हैं कि मर्द को सच में दर्द नहीं होता, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। आज हमारे देश में अगर कोई पुरुष रो पड़े ना तो वो ऐसा लगता है जैसे भाई साहब सर्दियों के दिन में बारिश हो रही थी, ये भी कैसे, जबकि पुरुषों का रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया,
हम इस प्राकृतिक प्रक्रिया को भूल बैठे और एक मेल अगर दर्द में रहता है, तकलीफ में रहता है, तो बात भी नहीं करता, उस दर्द को पचाने की कोशिश करता है, रोता भी नहीं है और उसके अंदर स्ट्रेस रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ से पहली बार आता है तो स्ट्रेस में होता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि अगर बच्चा रो गया तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो गया तो बच्चा बच जाएगा वरना मरेगा। लेकिन ये सिंपल सा सिद्धांत भारतीय पुरुष में, औरतों का बहुत बढ़िया है। आप एक मेल को कुछ कह दो तो वो 100 साल बाद आके आपको बताएगा तूने मेरे को उस दिन वहां वो बात बोली थी बड़ी बुरी। औरत का क्या है, अभी आप बोल दो तो वे अपनी बहन को फोन कर देगी, माँ को कर देगी, पड़ोस में बताएगी किसने मुझे बोला भाई मुझे बोल दो, वो 2-5 मिनट में चुगली करके बात वही खत्म कर देगी। लेकिन मर्द उसको पाले बस बीमार करे, क्यों? स्ट्रेस को पालने के लिए आता ही आदि हो गया। तो हमने मेल्स के लिए बनाया ताकि जिनकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत रहता है, डाइजेशन पुअर हो गया उसके कारण, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो उन लोगों को लगभग 7 से 8 दिन में प्रोडक्ट रिजल्ट दिखाता है। तुरंत प्राकृतिक है इसलिए उसके रिजल्ट और उसके नतीजे लंबे टाइम तक दिखते हैं। अगर कोई व्यक्ति भी बीमार है, पुरुष है, तो उसके पीछे स्ट्रेस रीजन मिलेगा, तो उन लोगों को भी इसका बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। फीमेल्स का प्रोडक्ट स्पेशली महत्वपूर्ण है और कोई भी फीमेल अगर यूज करेगी तो मुझे नहीं लगता इस प्रोडक्ट को अगले 2-4 महीने तक छोड़ भी पाएगी, क्योंकि उसको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। जिन महिलाओं को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, सफेद पानी या इन्फेक्शन है, यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बेचारी पता नहीं कहां कहां धक्के खाती है लेकिन जिंदगी भर ठीक नहीं होके देता, उसका पेशाब में जलन आती है, तो वो लोग उनके लिए बहुत लाभदायक है। जिनको हॉर्मोनल इम्बेलेंस है, थायराइड है, डायबिटीज है, महावारी की समस्या है, उनके लिए जो एसेंशियल सेल्फ है वो वरदान प्रोडक्ट है। 20 दिन में पता नहीं माने कितनी महिलाओं ने कहा कि हमारा जीवन सुखी हो गया पहली डोज के बाद ही। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो बच्चों के लिए, क्योंकि आज बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे मैंने कहा 80% बच्चों की आंखें कमजोर है, अगर ऐसी किसी सिचुएशन में उनकी हाइट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए, दिमाग के विकास के लिए, क्योंकि बच्चे के प्रोडक्ट में DHA भी है जो दिमाग के विकास के लिए जिम्मेदार है, ब्रह्मी है, शंखपुष्प भी है, ऐसी किसी चीज के लिए अगर उन बच्चों को ये प्रोडक्ट 3 महीने में दिया जाता है तो उनका विजिबल रिजल्ट किसी को भी 3 महीने के टेन्योर में देखने को मिलता है। बाकी किसी दिन वर्कशॉप में बताऊंगा, आज इतना ही हो गया सर, खत्म।